आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। संबंध क्यों बिगड़ते हैं, क्यों रिश्ते चल नहीं पाते, रिश्तों में क्यों खटास आती है, क्यों तलाक हो जाते हैं, क्यों शादीशुदा जीवन बेहतर नहीं चल पाता, क्यों पति पत्नी में अनबन होते हैं, क्यों एक व्यक्ति सर्वस्व छोड़कर किसी के घर जाए और उसे कोई त्यागने के लिए विवश कर देता है, क्यों छोटी सी छोटी बातों पर पूरे के पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, क्यों छोटी सी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाते हैं, घर अलग हो जाते हैं और इतना ही नहीं भरे पूरे घरों में पूरा सर्वनाश हो जाता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों को महान बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों को सुधारा जाता है, रिपेयर किया जाता है, शादी के पहले या शादी के बाद। शादी होने में दिक्कत हो या शादी चलने में दिक्कत हो या शादी के बाद की संबंधों की कोई तकलीफ हो, समस्या कोई भी हो, समाधान का प्लेटफॉर्म लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज मैं कह रहा हूं कि शादी, विवाह या एक परिवार का बंधन है, क्यों चल नहीं पाता। अपने बेडरूम में सिर्फ ये सामान रख दें, आपकी शादीशुदा जीवन पूरा तुम्हारे हिसाब से चलेगा। अपने बेडरूम में ये सामान रखने से आपका वैवाहिक जीवन आपके हिसाब से चलेगा। बेडरूम में ये सामान रखने से आपका बिखरा हुआ घर एक जैसा हो जाएगा और सुव्यवस्थित हो जाएगा। बेडरूम में ये सामान रख देने मात्र से आपके पति पत्नी के बीच में जो तालमेल में गड़बड़ी हो रही थी या मन भटक रहा था, उसमें पूरी तरह से आपको लाभ मिलेगा। बेडरूम में ये सामग्री रखने से आपका परिवार, आपका कुटुंब बच जाएगा, आपका घरौंदा सज जाएगा, आपका सपनों का संसार खुशनुमा आनंदमय हो जाएगा। क्या करना है, सिर्फ छोटी सी सामग्री आपके बेडरूम में रखनी है। आज पूरा का पूरा विश्लेषण वास्तु को लेकर के है। आज पूरा का पूरा विश्लेषण स्पेशली चीजों को लेकर के है। कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। इसके अंश संपूर्ण वास्तु से और नैसर्गिक वास्तु से, पाश्चात्य वास्तु से और आदि वास्तु से लिया गया है। इसके अंश पूरी की पूरी तरह से वैदिक परंपराओं पर, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी सिस्टम पर, वेद और शास्त्रोक्त ढंग पर पूरे नापे हुए और उस पटल पर खरे उतरे हैं। उसके बावजूद, उसके बाद आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। वास्तु है क्या, बस दो शब्दों में समझाएंगे फिर हम सीधे उपाय की ओर चलेंगे। वास्तु एक्चुअली एक ऐसी एनर्जी का नाम है जिसको बहुत वर्षों तक नापा गया। पांच तत्व से शरीर बना, पांच तत्व से वास्तु बना। देखो, गंभीर हो जाओ, आज मैं तुम्हारी शादीशुदा जीवन को पूरी तरह से ठीक करके रहूंगा। गंभीर हो जाओ, मैं तुम्हारे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूं। गंभीर हो जाओ, इधर उधर भटक मत जाना, मैं आज तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी की पूरी समीक्षा आपके सामने रख रहा हूं। समझो कि नहीं तो बच्चा होगा नहीं। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करना तुम। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो पूरा संसाधन रख रहा हूं आज मैं। पांच तत्व है शरीर, पांच ही वास्तु में है, पांच ही भगवान में है। अब वो पूरी समीक्षा आप समझिएगा, कौन कौन से। छिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। छिति जल पावक
गगन शमीरा। ये पांच तत्व हैं जो शरीर में हैं, ये पांच तत्व वास्तु में हैं, और यही पांच तत्व भगवान में हैं। भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे आसमान और नासे नीर, ये पांच तत्व है भाई। वास्तु इन्हीं पांच तत्वों का समावेश है। घर में सही वायु, सही हवा, पानी, आसमान तत्व, जमीन तत्व, ये सब समीकरण में बना रहे तो वास्तु आपका ठीक है। ये बिगड़ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये खराब हो जाए तो परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, ये खराब हो जाए तो बसे बसाए घर बर्बाद हो जाते हैं। बस उन्हीं को आज ठीक करने की दिशा में बात कर रहा हूं। आपके घर में लैट्रिन बाथरूम नॉर्थ से लेकर, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक में, वो जो नॉर्थ वाली बेल्ट है उधर नहीं होना चाहिए। पूरब उत्तर, उत्तर उत्तर पश्चिम और पश्चिम नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ बाथरूम, जीना, सेफ्टी टैंक, कुछ बहुत भारी चीजें, बहुत भारी कंस्ट्रक्शन, कोई कूड़ा कबाड़ा, स्टोर रूम, बहुत भारी चीजें रखी हो, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। आपका सोने का बेडरूम कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? पश्चिम और दक्षिण के कोने में होना चाहिए। अगर आप पश्चिम दक्षिण में सो रहे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन ज्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं सो रहे तो आज ही चेंज कर दीजिए। हाँ, आपका सर कभी भी किसी भी स्थिति में नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। पूरब उत्तर से लेकर के पूरब पश्चिम या पश्चिम उत्तर तक आपका सर नहीं होना चाहिए। एक दिशा की बात कर रहा हूं, हाफ पूरब दक्षिण वाली, वो पूरी की पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा, बड़े ध्यान समझना। ईस्ट, आप समझते हो ना, 10 दिशाएं होती हैं, 4 मेन और 4 उसकी उप दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, 10 हो गई ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं आज। ये पूरी की पूरी समीक्षा आपके सामने रखेंगे, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। सर, आप मेरी लाइफ में आए, मेरी जिंदगी आपने बदल दी है। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत चीजों से निकल रही थी, बट जब से मैं आपसे जुड़ी, आपने मेरे को सहारा दिया, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह, पापा की तरह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी जी, उनको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारे बल से हो रहा है, और इन सब चीजों में आपकी अपनी चेतना बड़ी है। इन सब चीजों में आपका अपना बल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सब कुछ तुम कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी निरंतरता, गुरु के चरणों में तुम्हारा अनुराग था ना, तभी हो पाया। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। तो अब आपको सीधा उपाय बताता हूं, करना क्या है। एक आपको कांच की बोतल, कांच की सीसी, कांच का डब्बा, ऐसा कुछ ले लेना है। इसको कच्चे दूध से साफ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद अंदर की साइड में, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका बता रहा हूं आपको, इसको आप बहुत गंभीरता से करेंगे तो ही कर पाएंगे। अब आपको करना ये है, एक कागज के ऊपर अपना और एक कागज के ऊपर अपने जीवन साथी का नाम लिखना है। किससे लिखना है? घी और मिश्री को पीसकर, मिश्री को पीसकर घी में लेपिए और खूब गाढ़ा गाढ़ा कागज के ऊपर लिख दीजिए। और लिखने के बाद उस कांच के जो बर्तन है उसमें एक तरफ अपना नाम वाला और दूसरी तरफ उनके नाम वाला कागज खूब अच्छी तरीके से अपोजिट रख करके अंदर साइड से चिपका दीजिए। यानी अब क्या होगा कि घी और मिश्री से आपने अंदर नाम लिख दिया, कागज तो आप बाहर निकाल लेंगे या निकाल लेंगे। संभवतः अगर आप नहीं भी निकालते तो उसमें ऐसा दिखाई तो पड़ता नहीं है कुछ। उसके बाद उसमें सौंफ और मिश्री भर दीजिए। उस सौंफ और मिश्री को खुद खाइए, अपने लाइफ पार्टनर को खिलाइए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में पहले दिन से फर्क पड़ता है और 41 दिन तब कंप्लीट होते हैं जब सब चीजें सामान्य हो चुकी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में रखिएगा, अपने बेड के आसपास रखने की कोशिश कर सकते हैं या अपने ही कमरे में नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, पर बेडरूम के अंदर ही रखिएगा। इसे खाली करते जाइए और भरते जाइएगा। और ये काम शुरू कर सकते हैं फ्राइडे के दिन, सोमवार के दिन,
पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन या किसी बड़े शुभ मुहूर्त में स्टार्ट कर सकते हैं। जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो उस दिन भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करें। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बहुत निरंतर रहने की आवश्यकता होगी। मैं हूं तुम्हारे साथ, पूरा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में। खुशियां, प्रसन्नता, प्रेम, वैभव, आनंद बढ़े, आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए, ऐसी शुभकामनाएं। मुस्कुराओ ना थोड़ा, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, सुंदर बनो। कितना सुंदर, इतना सुंदर कि लाइफ में रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो तुम्हें ऐसा आना चाहिए जैसे कोई फोटोजेनिक चेहरा है, दीवार पे लगाने वाला पोस्टर निकलना चाहिए उस टाइप पर भी। इतने सुंदर बनना है आपको। हर आधे घंटे में पानी पिए, सुंदर बने, मुस्कुराए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं आपके साथ। रोना, बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, निगेटिव थिंकिंग रखना, सब टोटल मना है। ऐसा करने से रिश्ता पहले दिन ही खराब हो जाता है। ऐसी कोई चीज मत करिएगा, इससे शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति सारे ग्रह खराब हो जाते हैं और आपका रिश्ता टोटल बर्बाद हो जाता है। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।